हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति सिंह और आज हम लाए हैं स्टैंड अप कॉमेडी की एक वीडियो स्वाति सचदेवा लव इज लव। देखते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं स्टैंड अप कॉमेडी पे भी करो तो 1 2 3 गो। And I don't want to be rescued. My name is Swati Sachdeva, and I have something personal to tell you all. I am bisexual. Guys, ऐसे ही reaction देना तो मैं घर बता देती। पीछे अंकल ऐसे परेशान होकर देख रहे हैं। देखने में तो पंजाबी लग रही है। तुम लोगों को पता है ना सबको bisexual कौन होते हैं? हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड। एक बार मैंने पूछ लिया पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ आप साल में 2 बार ही करते हो ना। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूँ। फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चीज होता है, कॉमर्स विद साइंस। बहुत अतरंगी लोग हैं यार, मैं क्या बताऊं। मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTV। He believed in a slip of tongue। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज्यादा से ज्यादा L और G तक आता है। मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कब B बता, अरे बहुत सारे लेस्बियन गे। जेन्युइन सपोर्ट मिलता है मुझे इंस्टाग्राम DM पे। वहाँ लड़के मेरे को ना रेनबो बना के भेज, अपना कंसर्न अटैच करके साथ में। एक मैसेज आया, मैम आप तो इच्छाधारी हो, इंटरेस्टेड इन थ्रीसम। बेशरम, ट्रूथ या डेयर तो पूछ ले कम से कम। है लोगों के हर किस तरह के सवाल हैं। अक्सर आके लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आपको कब पता चला अपनी चाहतों के बारे में। मैं कहा लड़कों का तो मुझे पता ही था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। लड़कियों का बहुत ही अजीब माहौल में पता चला। हाँ, मैं ना वो मॉल का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ सिक्योरिटी, वो एक बार चेकिंग करा रही थी मैं। 5 seconds into it and I was like ये तो सही लग रहा है यार। तूने बोला आपका हो गया जाओ, मैं कहा मेरा तो नहीं हुआ। Tough day at work for her। पर डेट करने की बारी आई तो पहले मैंने लड़के को ही डेट किया, बिकॉज ईजी। हाँ, बड़े दीवाने से मैंने देखा यार। मेरे वाला वो ऐसे सिली निक नेम्स देता था मुझे। ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बू। क्या वाहियात ट्रेंड है यार ये। मुझे कन्विंस कर रहा है इतना तो प्यारा नाम है, आप भी बू बुलाया करो मुझे। मैं कहा नहीं, कह रहा एक बार बोल तुझे बहुत। मैं कहा सुन फिर बू तो नहीं कह, या तो पूरा बुला या मत बुला। उसे काफ़ी घमंड था कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसे किसी और लड़के के लिए। तो ब्रेकअप के बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम एक बार तीनों कैचअप किए। मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू इट्स हर। तुम गुस्से से देखे कि यार ऐसा क्या कर दिया इसने। मैं कंपेयर करने के बाद वैसे जी स्पॉट ढूंढ लिया। कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता। मैं कहा अरे भाई तेरा भी ढूंढ देगी। मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई। या माई गर्लफ्रेंड शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड शी इज विद सीजर्स। जिन लोगों को नहीं समझ में आया इनसे लिंक ले लेना, ये निक्का। सो आई फाइनली स्टार्टेड डेटिंग अ गर्ल। तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त? आई ऐसे टेंशन में बैठा, लो भाई इसकी भी बंदी है। यार मैंने लड़की को डेट किया, मुझे काफी कुछ पता चला लाइफ के बारे में। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है बात का बतंगड़। सही है, चिल्ले, हम खुश हैं। तो कुछ लोग बड़े बेशरम होते हैं, वो आगे ऐसे बोल देते हैं कि दो लड़कियां कुछ कर तो पाती नहीं होंगी। मैं कहा नहीं सही बात है, नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस। और पैरेलल पार्किंग। मैंने ना अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया अबाउट ऑल ऑफ दिस। एक पागल वो तो कहती कि चल फाइनली यार शुक्र है यू आर आउट ऑफ द कपट। कपट दीमक हूं मैं। मुझे कह रहे यार सही है ना, अब तो तुम्हें नाइट स्टेज की परमिशन भी नहीं मांगनी। मैं कहा मेरे घर पे तोड़ना पता है, मेरे बाप का कन्यादान का सपना टूट गया है। हाँ और मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, वो तो हमारी से नजर उतारती है, दोनों बहनों में कितना प्यार है। हाँ वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे। कह रही आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मम्मी घबरा गई, मेरी मुस्लिम फंसा लिया क्या इसने? या शी इज दैट पैरानॉइड। मैं उस दिन वज्रासन में बैठी थी, आप लोगों को पता होगा, इट्स अ गुड एक्सरसाइज खाना खाने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए। मैं बैठी थी वज्रासन में, मेरी मम्मी दूर से देख रही मेरे को कि इसने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। मैंने भी ना इंटेंसिटी के लिए दोनों हाथ ऐसे कर दिए। मम्मी आगे कह रही है क्या कर रही है तुम? मैं कहा अपने और जलालुद्दीन की एक होने की दुआ में। मेरे हाथ बंद करा दिया यार। कह रही बेटा अल्लाह ही मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे ऐसे। मेरे दोस्त अभी भी लगे हुए कि नहीं यार टू गर्ल्स डेटिंग इज द बेस्ट थिंग एवर। तुम दोनों शॉपिंग जाती हो कितना मजा आता होगा नहीं? मैं कहा नहीं हम दोनों के पास ही पैसे नहीं है, हम दोनों को ही बड़े हो गया हाउसवाइफ बनना था। तो हम तो कभी ज़ारा जाती है ना टाइम पास करने, वहाँ भी निराश होकर कपड़े तय करने लग जाती है। कौन खराब करके चला गया। पर नहीं यार मेरे को लगा कि टाइम आ गया घर पे बताने का, क्योंकि अब घर वाले चीज़ें अज्यूम करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों का मुस्लिम बॉयफ्रेंड, वो भी एक ही। मेरे पापा ने घेर लिया मुझे घर पे एक दिन, कह रहा है हमें पता चल गया तेरे बारे में, अपने मुँह से बता दे। मैं कहा ठीक है पापा मैं ना आपको बताना चाहती थी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहे क्या मतलब, तुम्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़के पसंद है? मैं कहा छोड़ो मेरे को नहीं बताना। कह रहे तू नहीं बताएगी हम तेरे भाई से पूछ लेंगे, विच इज़ ट्रू। मेरा बड़ा भाई, उसको मेरी सारी करतूतें पता है बचपन से, उसको ले आया पापा खींच के कि तू बता इसके बारे में, उसे कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है। वो मेरी तरफ देख रहा है बहन के तूने बता दिया पापा को? मैं कहा हाँ तू भाई कर दे कन्फर्म। कह रहा हाँ पापा ये सही कह रही है, ये पिछले लगभग 4 सालों से सिगरेट पी रही है। ये वाला नहीं। पापा ने घूरा मुझे लगाया भाई के कि तू 4 सालों से बस टाइम नोट कर रहा है आरामखोर। पीछे से मम्मी आके कान में बोल रही बेटा जलाल जानता है इस बारे में। मैंने भाई को सुना ले लिया मुझे, उन्हें पहले ही समझ नहीं आ रहा मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहा ओ बहन पापा को ना लेस्बियन पता है, तू लेस्बियन बोल दे। मैं कहा अबे ऐसे तो तू बन जा लेस्बियन। पापा गुस्से हो गए बेटा मैं बन जाता हूँ, मम्मी तो है ही। मैं कहा एक ही दिन में माय एंटायर फैमिली इज आउट ऑफ द कबर्ड। इतना भी सपोर्ट नहीं चाहिए था। दैट्स अ लॉट ऑफ सिजर्स अंडर वन रूफ। Way to live it up, free to go. एक सीन रियल में है कि जो गया पता नहीं पर जो इतना बड़ा मस्त था और मैं तो कंफ्यूज हो गई ना। उसने तो कॉमेडी करनी थी वो तो करके चली गई। क्या उसके पास मैं भी रहती हूँ पता नहीं पड़ रहा है। नहीं वो सब सही है लेकिन रियल में था कि नहीं। सोचो अगर आप लोगों के घर में कुछ ऐसा हो, तुम्हारे भाई को बुलाया जा रहा हो किसी और कारण बताने के लिए और वो कोई अगर मैं मेरे भाई को बोलूँ तुझे ये नहीं बताना तो सबसे पहले जाएगा ऐसे तिरछी तिरछी से शक्ल बनाएगा, मेरी तरफ देखेगा, फिर बोलेगा मम्मी ये ना फ्री नहीं आया था दीदी खरीद के लेकर आई है। से जोक थे, मजा आ गया भाई, कसम से मजा आ गया। आप लोग भी जाके देखना ही इसकी ओरिजिनल वीडियो और भी देखना बाकी और भी हाँ। और जो भी LGBT कम्युनिटी से है उनके लिए ढेर सारा प्यार। हाँ, आपकी सेक्सुअलिटी आप ही जानते हो और उसे अपनाना आप ही को है, तो सोसाइटी से छोड़ो। सोसाइटी तो है ही, आगे की लाइन खुद पूरी कर दो जो सोच रहा है सोचो, खुद से प्यार करो, बाकी छोड़ो। वो कहते हैं ना, आत्मसंतुष्टि दुनिया का परम सुख है, तो बस ले लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है? बार बार यही बोलती है, तो समझ जाएंगे ना।